बिहार में एक बार फिर से कह सकते हैं कि आपदा में अवसर बदलने का मामला सामने आ रहा है। दरअसल बिहार में कोरोना काल में जब दूसरी लहर चल रही थी, ऑक्सीजन को लेकर के त्राहिमाम मचा हुआ था, लगातार ऑक्सीजन प्लांट बढ़ाने की बात चल रही थी। ऐसे समय में उद्योग विभाग द्वारा बिहार में मई और जून महीने तक 10 कह सकते हैं कि 10 अनुमंडल में ऑक्सीजन प्लांट लग जाने थे, लेकिन अब तक एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग पाए हैं। जो इस मामले की जानकारी के लिए हमने बियाडा से बात की तो बियाडा ने यह माना कि अभी तक एक भी ऑक्सीजन प्लांट बिहार के 10 अनुमंडल अस्पताल से एक में भी नहीं लगे हैं। इस मामले को लेकर जब हमने बियाडा से बात की तो बियाडा ने स्पष्ट बताया कि 10 अनुमंडल अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगना था, जिसका ऑर्डर भी दिया जा चुका है और 10 ऑक्सीजन प्लांट ब्रावो फार्मा को लगाना है। 2 जगहों के लिए एडवांस पैसा भी रिलीज कर दिया गया है, लेकिन अब तक एक भी जगह ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की मशीनें नहीं लगी है। वहीं उन्होंने बताया कि जो कंपनी है उसने बताया है कि क्लियरेंस नहीं मिल रहा था, इस कारण प्लांट लगाने में देरी हो रही थी। अब क्लियरेंस मिल गया है, बहुत जल्द मशीनें आ जाएंगी और बिहार में लग जाएंगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण जो है कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी संक्रमण लगातार जारी है। ऐसे में सभी ने अंदाजा लगाया था कि जो तीसरी लहर है वो कभी भी आ सकती है, और लगातार राज्य सरकार है वो पूरी मुस्तैदी के साथ कह रही है कि हम तीसरी लहर के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर के त्राहिमाम मचा हुआ था, ऑक्सीजन को लेकर के कई लोगों की जानें भी गई थी, अगर इस तरीके से बड़ी लापरवाही बरती जाएगी तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर तीसरी लहर आई तो आम लोगों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि बियाडा के अधिकारी ने यह भी बताया है कि जो कंपनी है उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो समय सीमा थी, यानी कि कह सकते हैं 10 ऑक्सीजन प्लांट लगने थे, 2 प्लांट मई महीने में लगने थे और जो 8 है वो जून महीने में अब तक लग जाने चाहिए थे, लेकिन अब तक एक भी प्लांट नहीं लगे हैं। इस मामले को लेकर बियाडा कंपनी पर कार्रवाई करेगी। और वहीं उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमने कंपनी को कहा है कि प्लांट लगाया जाए, अब तो ये वक्त ही बताएगा कि प्लांट कब तक लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है कि अब तक 10 में से एक भी प्लांट नहीं लग पाए हैं। सरकार के सभी वादे और दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सहयोगी कृष्णा के साथ प्रणव, राजी टीवी भारत, पटना।